आप देख रहे हैं CN24। गोरखपुर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन के क्रम में आज विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सांसदों के आवासों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन कर रहे विशिष्ट BTC शिक्षकों ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। उनका कहना है कि एक देश में दो रीति और नीति नहीं चलेगी। जनप्रतिनिधियों को भी पुरानी पेंशन त्याग कर नई पेंशन स्कीम को अपनाने का निर्णय करना चाहिए। इससे सारी बातें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी कि पुरानी और नई पेंशन स्कीम में कौन सी कर्मचारियों के लिए बेहतर है। किन किन मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं आप? कोई मांग नहीं, सिर्फ एक मांग लेकर के, जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हम लोग करो और मरो की स्थिति में आ चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली, हमारे देश में 2004 के बाद पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद हमारे माननीय सांसदगण, विधायक जी, ये लोग पुरानी पेंशन लेते हैं। शपथ ग्रहण के एक दिन का भी कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पुरानी पेंशन लेते हैं। और 60 वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, पुलिस, आपको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। यह नई पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं जिसको NPS कहते हैं। नई पेंशन स्कीम का मतलब हो गया नो पेंशन स्कीम। अगर नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, फलदायी है, तो मैं माननीय सांसद और विधायकजनों से अनुरोध करता हूं कि यह लोग भी नई पेंशन लें। हमें कोई धरना आंदोलन नहीं करना है, लेकिन अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग इनका विरोध करेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है, हमारे भोजन को छीनने का कार्य किया है, तो उसी क्रम में हम लोग भी इनको सत्ता से बाहर करने का कार्य करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग सांसद, माननीय सांसद जी के आवास पर आए हैं, एक ज्ञापन देने का कार्य किया है कि जिस तरह से ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं, उसी तरह से हम कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करने का कार्य करें। आप देख रहे हैं CN24।